जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। आपके चरणों में प्रणाम जी। मैं शिव कुमार चतुर्वेदी कल्याण मुंबई से आया हूँ। मेरा एक प्रश्न है और एक छोटी बात शेयर भी करनी है, तो पहले प्रश्न पूछ लूँ? हाँ बढ़िया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्बरिक जी आए थे तो उनसे उनका शीश दानी क्यों मांगा, उनके तीन बाण दान में क्यों नहीं मांग लिए? किस्सा ही खत्म हो सकता था भाई। तीन बाण मांग लेते तो तीन बाण उनके पास तो ऐसे तीन बाण बहुत थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो जो तीन बाण, मतलब किसी भी बाण से वो तीन बाण में सब पूरा युद्ध जीत सकते थे, खत्म कर सकते थे, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती। हाँ, इसीलिए उन्होंने शीश दान लिया उनसे। शीश लिया क्योंकि बर्बरी की इच्छा थी कि मैं भगवान के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हूँ। बिल्कुल, आपने ही बताया है जी। फिर भगवान ने उनको अमर कर दिया, कटा हुआ सिर अपना नाम देकर खाटू जी में स्थापित कर दिया। तो वह जय श्रीमन्नारायण जी। अब एक छोटी सी बात है वो शेयर करना चाहता हूँ। ये 2022 में ही, ये दिसंबर महीने में 2021 में मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, और जब मैंने गुरु दीक्षा ली तो मैंने रोज की बढ़िया से माला करनी शुरू की। अब हुआ ये, एक बड़ा चमत्कार हो गया। चमत्कार ये कि इस अगस्त में 7 अगस्त की रात को मैं सोया और 8 अगस्त की रात को मैं जब उठा, मेरा टाइमिंग है 2:30 से 3 बजे के बीच, उठा तो मैं खड़ा हुआ तो कोलैप्स हो गया, गिर गया। मुझे लगा यार मुझे तो पैरालिसिस हो गया है। और फिर मैं श्रीमन्नारायण कर रहा था, और फिर मैंने मेरे वो सारे कार्यक्रम, जैसे रोज के सवेरे के कार्यक्रम है, सारे निपटाए। फिर मैंने मेरी पूजा भी की, लेकिन मैं माला नहीं कर सकता था, तो मैं ऐसे लेट करके ही माला भी नहीं लिया, ऐसे ही करता रहा। एक वक्त आ गया, मैंने दूसरे दिन सवेरे मेरा MRI करवाया, मेरे पास रिपोर्ट है अभी भी मोबाइल में जी। MRI करवाया, मुझे डॉक्टरों ने बताया कंपलसरी ऑपरेशन। मेरा ये जो टेलबोन है बैक साइड, ये टेलबोन अपनी जगह से सरक गया था। अच्छा। L4, L5 और S1 कंप्रेस हो गया था। कंपलसरी ऑपरेशन बताया, मैंने आपको ध्यान किया, बोला मेरे गुरुजी ने कहा है कि सबसे बड़ा परमात्मा होता है जी। और मैंने रोज की माला बिस्तर पर लेटे लेटे की, आज तक ऑपरेशन नहीं करवाया गुरुजी, और मैं बैठा भी नहीं, सिर्फ आपके शब्दों पे कायम रहा कि परमात्मा को पकड़ के रखो, जब आप पकड़ोगे तो वो भी आपको पकड़ेंगे। बिल्कुल। और ऐसा पकड़ा परमात्मा ने मेरा ये पूरा परिवार, जैसे मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, ये मेरा दामाद है, ये सारे लोग, सभी लोग परेशान थे, सारे ही रो रहे थे, लेकिन मेरा एक अखंड विश्वास आपके शब्दों पे था जी। आपने कहा था कि परमात्मा पे एकदम अटूट विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास यदि हर कोई रख ले तो भगवान सबकी मदद के लिए आएंगे, पर विश्वास ये वाला हो जैसा आपका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुजी। मंत्र जाप, भगवान स्वयं कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ मुझे भजेगा, मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी जी। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। खुश रहिए गुरु जी। मैं, हम लोग इतना टेंशन में थे, इनको तकलीफ में ले करके बहुत, मतलब रोज ही प्रभु को खाली याद करते थे और रोते थे। चलिए, भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी बहुत भी कष्ट में, मतलब खुश रहिए, सदा भगवान आपको सुखी और स्वस्थ ही रखे। गुरु जी राधे राधे। हाँ बेटा बोलो। गुरु जी आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, तब तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें और बहुत योग्य बनाएं, आपको सुखी रहिए। गुल्लक जोड़ी है। अच्छा, आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, दे दो। गुरु जी राधे राधे। चरण आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए गुरु जी। हम अलीगढ़ से आए हैं। हाँ। आज पहली बार वृंदावन आए हैं गुरु जी हम। अलीगढ़ तो पास में है। गुरु जी आ नहीं पाते हैं, हम पहली बार आए हैं। और गुरु जी मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं रहती, इसे आशीर्वाद दीजिए। चलो होगा होगा, भगवान अच्छा करे। गुरु जी हम तो गए बिहारी जी के दर्शन करने, हम बरसाने भी गए, राधा रानी के भी दर्शन करे मैंने, लेकिन हमारे पतिदेव नहीं गए बिहारी जी के दर्शन करने।
क्यों? वो नहीं गए, वो ये कह रहे देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। मैंने हो जाए तो हो जाए, वो ये कह रहे प्रश्नोत्तरी में नंबर नहीं आएगा। आ गया नंबर, कहाँ बात करा दो, दर्शन कर लेना बिहारी जी के।